हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है व्लॉगिंग का नेक्स्ट डे। आई डोंट थिंक से कौन सा डेट है, आई थिंक फिफ्थ या सिक्स डे है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं पूरे दिन क्या लेती हूँ डाइट में अपने। सो आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ कि मैंने पूरे दिन भर में क्या मील लिया, कैसी रही मेरी डाइट। सो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10 o'clock और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो मैंने आज ब्रेकफास्ट में किया था चौराई की सब्जी और 2 रोटी, और साथ में मैंने अचार लिया था। तो अचार बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। बात करूँ अचार की, तो हमें बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला अचार नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें अचार, चटनी ये सब खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भूख को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ हम जिनको स्पेशली बीपी वगैरह के इशू है, तो उन्हें ज़रूर खाना चाहिए। अचार वगैरह खाने से उनका बीपी लो नहीं होता है। पर जैसे मैंने आपको बताया, हर एक चीज़ लिमिट में खाएं तभी तक अच्छी होती है। जब हम उसको एक्सेस अमाउंट में खाने लगते हैं तो वो हमारे लिए ख़राब हो जाती है, मतलब वो उसका फिर हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। सो बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला अचार खाने से आपको आपके बॉडी में जलन होती है, आपको पिंपल्स वगैरह के इश्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए हमें बॉडी में बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मीठा खाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा तीखा खाना चाहिए। मीठा भी अगर आप खाते हो तो बहुत एक्सेस नहीं खाना चाहिए, आपको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है मीठा खाने से कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक उसी तरह तीखा भी, हमें बहुत ज़्यादा तीखा खाना जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जलन पैदा करती है, इसलिए हमेशा बैलेंस डाइट करना चाहिए। और काफ़ी दिनों तक तो पता है, मुझे भी पता नहीं था कि खाना खाने का सही प्रोसीजर क्या है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, उसके बाद मीठा खाते हैं, जबकि खाने का सही फॉर्मूला है कि सबसे पहले आपको मीठा खाना चाहिए, उसके बाद नमकीन खाना चाहिए और फिर तीखा खाना चाहिए। ये एक सही फॉर्मेट होता है खाना खाने का। एंड कई बार क्या होता है ना कि हम खाना खाने के बाद फ्रूट्स ले लेते हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि फ्रूट डाइजेस्ट होने में बहुत ही कम समय लगता है। फ्रूट्स बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जबकि जो भी हम कार्ब्स लेते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, उनको डाइजेस्ट होने में मिनिमम मैं कहूँ या फिर मैक्सिमम मैं कहूँ, तो मतलब मैक्सिमम तो ज़्यादा ही हो जाएगा, मिनिमम आप मान के चलोगे 4 घंटे कम से कम लग ही जाते हैं। तो आपने खाना खाया, मान लीजिए आपने दाल चावल सब्जी रोटी खाई, और उसके बाद आपने आम की स्लाइस खा ली, ठीक है। तो फ्रूट्स होते हैं ना, वो डाइजेस्ट होने में बहुत ही कम टाइम लगाते हैं, लेकिन आपका खाना अभी आपकी नली में फंसा हुआ है, उसको अभी डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो आपने फूड अभी लिया है अपनी बॉडी में। उसके बाद आपने फूड खा लिया, तो फूड उस बॉडी के पीछे पड़ा है, क्योंकि वो बहुत स्पीड में जाता है, लेकिन क्योंकि फूड आगे है तो वो आगे नहीं जा सकता, तो वो पीछे ही रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता, और साथ ही साथ हमारा जो फ्रूट है वो भी सड़ जाता है, जिसकी गैस जैसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती। इसलिए कभी भी खाने के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। फ्रूट्स आप हमेशा खाली पेट खाइए, कि बहुत ही इजीली और जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और खाने को डाइजेस्ट होने में हमें टाइम लगता है, तो खाना डाइजेस्ट होने के लिए हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और खाना खाने के बाद हमें तुरंत पानी पीने से भी बचना चाहिए। सो मैंने अभी अपना नाश्ता इंटेक किया है, बट अभी मैंने वाटर कंज्यूम नहीं किया, तो मैं 1 घंटे बाद पानी लूँगी, यानी कि 11 बजे। और 11 बजे ध्यान से पानी लेना है, क्योंकि इससे आपके बॉडी में बस खाने खाते समय आप ध्यान दीजिए कि पानी आपको खाने के आधे घंटे पहले लेना है और खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है। बाकी आप नॉर्मल ड्यूरेशन पे आप वाटर इंटेक करते रहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी नहीं होनी चाहिए, और पानी पीते रहने से ना आपको ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होगी कुछ खाने की, और आपका पेट भी भरा रहेगा। तो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं ना, उनको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए हमें पानी मतलब कम से कम एक दिन भर में कम से कम को 8 से 9 लीटर पानी तो ज़रूर से ज़रूर पीना चाहिए। बट उसे किस तरीके से पीना है, क्योंकि गाइस गर्मियों में हम वैसे भी पानी पीते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो गर्मियों में हमें और ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। चलिए अभी मैंने अपना नाश्ता इंटेक कर लिया, अब मैं थोड़ी देर बाद पानी पीऊँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। देखते हैं कि आज मैं लंच में क्या बनाती हूँ, तो आपको लंच के मेन्यू के साथ फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और हाँ गाइस, आपका खाने को तुरंत तुरंत आपको नहीं खाना चाहिए, एक नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए। जैसे मैंने नाश्ता 10 बजे किया, तो मेरा लंच जो है वो 2 बजे तक होता है, तो हमें टाइम मिल जाता है 4 घंटे का, क्योंकि मॉर्निंग में जो हमने इंटेक किया उसको भी अच्छे से डाइजेस्ट होने में।
सो इस तरीके से एक मतलब नेचुरल ड्यूरेशन होना चाहिए, बहुत ही यू नो कि आपका टाइम है, आपने 12 बजे ही खा लिया, आपने 11 बजे नाश्ता किया, तो इस तरीके से आपको हैवी यू नो स्टमक एसिडिटी वगैरह की इश्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। गाइस फाइनली मैं लंच हो गया एंड लंच में मैंने आज लिया है एक कटोरी दाल, अरहर की दाल थी, मूंगा की सब्जी, यानी कि इसको कई लोग सहजन भी कहते हैं, मूंगा भी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी एंड न्यूट्रिशियस होता है, तो उसकी एक कटोरी सब्जी खाई मैंने एंड एक कटोरी दही खाई, साथ ही मैंने 2 रोटियां ली थी, बट मेरा टमी जो है फुल हो गया तो मैंने रोटियां नहीं खाई, छोड़ दी, और अभी मेरा पेट एकदम फुल हो गया है। सो चलिए अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। सो या गाइस इट्स टाइम टू नाउ ईटिंग सम ड्राई फ्रूट्स, ये बहुत ही जल्दी बहुत ही इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, साथ ही साथ हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं अपनी पसंद का, सभी गुड होते हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मुझे पर्सनली किशमिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं किशमिश खाना प्रेफर करती हूँ, और इससे आप अपनी मीठे की क्रेविंग्स को भी कम कर पाते हैं, बिकॉज किशमिश जो है वो ऑलरेडी इसमें नेचुरल स्वीटनेस होता है, इसलिए। सो गाइस बेसिकली आज मैंने अपने डिनर में लिया है आलू परवल की रसेदार सब्जी एंड 2 चपाती। सो दिस इज़ माई डिनर जो कि मैंने 8 बजे कर लिया था।